प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। हम पढ़ रहे थे पहला पत्रस अध्याय 2 और उसका 12 वचन हमने पढ़ा कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हमें तो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि हम क्या करना है, हमारे भले भले कामों को देखकर लोगों ने क्या करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा करना चाहिए। इसलिए प्रियो, हमारे ऊपर जगत की ज्योति है, हम जगत की ज्योति है और हमारे ऊपर यीशु की ज्योति है। हम आज जगत की ज्योति कैसे बने हैं, हम लोग के ऊपर यीशु का प्रकाश हम पर चमका है, इसीलिए आज हम लोग जगत की ज्योति है। जैसे यीशु ने कहा, मैं जगत का प्रकाश हूँ, तो प्रकाश यानी फुल कंप्लीट हर जगत को प्रकाश देने वाला, लेकिन ज्योति यानी एक जगह पर चमकने वाली। जैसे प्रभु ने हमको आज, अभी जैसे मैं वांगनी में हूँ, तो हमें एक वांगनी में और हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर प्रकाश, वो ज्योति का काम क्या रहता है, जैसे एक दिया लेकर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वो दिया क्या काम करता है, वहाँ प्रकाश देने का काम करता है। तो वैसे ही हम भी क्या करना है, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ यीशु का प्रकाश चमकाने का काम करना है, ये प्रभु की इच्छा है प्रियो। इसलिए क्या होगा मालूम, प्रकाश हम में होगा तो हम लोग है ना ये भरमाने वाले को भी जान पाएंगे, क्योंकि भरमाने वाले लोग अंधकार वाले हैं। हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री अध्याय 13, हिब्रू चैप्टर 13 और वर्स 9। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दूर रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ भी लाभ न हुआ। ये यीशु का जो प्रकाश हम पर आया है, ये प्रकाश क्या करता है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से हमें भरमाने नहीं देता है। वो प्रकाश क्या करता है, अंधकार को जो गलत शिक्षण दे रहे उनके अंदर डर डालता है। अंधकार किसको डरता है, प्रकाश को। जहाँ प्रकाश है वहाँ वो अंधकार लड़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि प्रकाश काम क्या करता है, अंधकार को भगाने का। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमसे यही कहता है कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रकाश है ना, तो आप क्या करोगे, अंधकार के उन नाना विचित्र शिक्षणों से, भरमाने वालों से आप बचे रहोगे। और ऐसी कोई भी वस्तु यहाँ लिखा है ना, जिसे कोई लाभ नहीं उन वस्तुओं को खाने से, उन वस्तुओं को खाने से आप परे रहोगे। इसलिए प्रियो, आपके अंदर वो यीशु का प्रकाश होना चाहिए। अभी हम वापस जाएंगे, हम जाएंगे जो वचन हम लोग पहले पढ़ रहे थे, मैथ्यू चैप्टर फाइव, मत्ती अध्याय 5 और उसका हम लोग 16 पढ़ रहे थे। मत्ती अध्याय 5 जो हमारा सबसे स्टार्टिंग का वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 उसका 16वां वचन हम पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हमने 14 पढ़ा है, अभी हम 15 पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 5 और उसका 15। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के लोग सब घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो वैसे हमको भी प्रभु यीशु ने आज एक दिया हमारे अंदर, उसका दिया यीशु का प्रकाश चमका कर हमें किस पर, खाट के नीचे जमीन पे छुपा के नहीं रखा है, परंतु हमें ऊंचे स्थान पर रखा है, ताकि क्या कर सके, घर के सब लोग, किसके घर के सब लोग, परमेश्वर का ये घर जो सारी सृष्टि है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर जितने मनुष्य हैं उन सब के ऊपर क्या हो जाए, प्रकाश पहुँचे, यानी यीशु पहुँचे। यीशु को पहुँचाने का काम हमारा है, तो हमारा चाल चलन यीशु को पहुँचाता है। अगर हम भले काम करते हैं, धार्मिकता से काम करते हैं, अच्छा रहते हैं, मसीह का आचरण करते हैं, तो इसे यीशु उन तक पहुँचता है। लेकिन अगर हम बुरे काम करते हैं, भला काम नहीं करते, हम निंदा करते हैं, ठट्टा करते हैं, काम प्रार्थना नहीं करते, अपनी मर्जी से चलते हैं, जलन करते हैं, डाउट करते हैं, संशय रखते हैं, बात करना पसंद नहीं करते, जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग शैतानी काम कर रहे हैं, शैतान जो उनका पिता है उनका काम कर रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं करना चाहिए। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है, यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है, हमारे द्वारा जो यीशु ने जो प्रकाश हमारे ऊपर दिया है, वो प्रकाश के द्वारा अंधकार में बैठे हुए लोगों को खींचना है, यीशु इस प्रकाश के पास उन्हें लाना है। लेकिन अगर अंधकार में बैठे हुए लोग अंधकार में जाना पसंद करेंगे क्या, उनको क्या अच्छा लगेगा, उजियाला।
आपको समझा, अंधकार में बैठे हुए लोगों को अंधकार पसंद नहीं है, उनको प्रकाश चाहिए। इसीलिए प्रभु ने हमको चुना है कि हम वहाँ तक उन पर उन तक हम प्रकाश लेके जाए। लेकिन अगर हम ही अंधकार के काम कर रहे हैं तो फिर कैसे उन तक प्रकाश पहुँचेगा? इसीलिए वो लोग फिर कैसे देखेंगे यीशु को? और यीशु को नहीं देखेंगे तो क्या वो यीशु के पास आएंगे क्या? इसलिए प्रयोग बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करना है, यीशु की ज्योति बनकर हम जो अंधकार में बैठे हुए वहाँ तक पहुँचाना है। तो इसीलिए हम ऐसा जीवन व्यतीत करना है, एक प्रकाश का लाइफ जो सत्य वैसा लाइफ हम जीना है। इसलिए लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। हमारा उजियाला, यीशु का उजियाला, परमेश्वर का स्वरूप, मसीह का स्वभाव, ये हमारे द्वारा चमकना चाहिए। तो क्या होगा, उन तुम्हारे भले कामों को, हम भले भले हम जो काम करते हैं उनको देखकर क्या होगा, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बैठी है, यानी हमारा जो पिता है जो कहाँ है, स्वर्ग में, उसकी क्या लोग करेंगे, बड़ाई करेंगे। लोग बोलेंगे वाह कितना अच्छा इनका प्रभु है, कितना अच्छा इनका स्वर्गीय पिता है, कितने अच्छे लोग हैं ये लोग, कितने भले लोग हैं। ऐसे करकर वो लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। इसलिए प्रियो प्रभु ने हमको उसका उजियाला दिया है। इसलिए उजियाला नहीं दिया कि उसको खाट के नीचे छुपा के रखने के लिए नहीं दिया, या बुरे काम को छुपाने के लिए, बुरे काम के आड़ लेने के लिए नहीं दिया। परंतु वो उजियाला क्यों दिया, ताकि हम हमारे स्वर्ग में बैठे हुए पिता की महिमा कराए, उसकी बड़ाई कराए। हमारा यही काम है प्रियो, आज प्रभु ने हमको इस काम के लिए रखा है। यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने यीशु पिता की, स्वर्गीय पिता की महिमा की। हम भी इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें भी अपने स्वर्गीय पिता की महिमा करनी है। हमारे पिता को जो अच्छा लगता है वही हम करना है। हमारे पिता की जिसमें महिमा हो, लोग बोलना चाहिए वाह क्या धन्य है यीशु, कितना अच्छा है यीशु, वाह ऐसे लोगों को बदल दिया, ऐसे लोग ऐसी इस रीति से क्या होना चाहिए, हमारी यीशु की महिमा होनी चाहिए। प्रियो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको याद मैं बताना चाहती हूँ कि आप ज्योति के जैसा लाइफ जियो। ज्योति का लाइफ सत्य का लाइफ है, आप सत्य का लाइफ जीना, दुचिता झूठा कपटी धोखी जीवन नहीं जीना। आप जैसा जीते हो उसके अनुसार आपको प्रतिफल याद रखना। हमारा स्वर्ग और नरक हमारे जीवन निर्वाह के ऊपर अवलंबन है, आधारित है। इसलिए केयरफुल रहो, आपको क्या चाहिए, आप बोलते हो ऑटो से स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए हमें मसीह पर आधारित जीवन जीना है। ऐसा जीवन नहीं जीना है जिससे हमारे यीशु के नाम की निंदा हो। प्रभु आपको आशीष दे। इसलिए प्रकाश में रहो, यीशु के प्रकाश को बढ़ाओ, यीशु का प्रकाश को चमकाओ, लोगों के ऊपर चमकाओ और लोगों को यीशु के पास लेकर आओ। प्रभु आपको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, आप कितने अच्छे और भले प्रभु हो। प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। हम सब पर आपकी करुणा दया हमेशा रखना। हम प्रभु आपके छेदे हुए हाथों में आपने हमें जगत की ज्योति बनाई, हम अंत तक जगत की ज्योति बनकर रहने के लिए सहायता करना। कभी भी प्रभु हम इस जगत की ज्योति में से अंधकार हमें कभी, हम जगत की ज्योति रहते हुए हमारे अंदर कभी अंधकार आने मत देना, दया रखना प्रभु। अंधकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर आपका प्रकाश चमकाने का काम हमारा है, और हमारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई कराने का, उसकी महिमा होने का काम करवाना हमारा ड्यूटी है। तो ये काम हम अच्छा रीति से करने के लिए सहायता करें। सबके घर में शांति देना, सबके मनोरथों को पूरा करना, सबके कौटुंबिक जीवन में शांति देना, वो जो कुछ आपसे मांगते हैं उनको दे देना। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको दे दे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। सगैना प्रेज़ कर। कल हम लोग वापस 4 बजे मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सगैना प्रेज़ कर।